पोल्ट्री उद्योग के पस्त होने के बाद से ही मक्का किसानों को दाम मिलने में मुश्किलें आ रही हैं। इसके अलावा एमएसपी पर मक्के की खरीद ना होने से भी किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। ये मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का है। यहाँ पर एक किसान ने 2 एकड़ जमीन में 30 क्विंटल मक्का पैदा किया। ये मक्का 980 रुपये यानी 980 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका, यानी किसान को कुल 29,400 रुपये मिले, जबकि 1760 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी के आधार पर इन्हें 30 क्विंटल मक्के के 52,800 रुपये मिलने चाहिए थे। लेकिन इन्हें एमएसपी का लाभ कैसे मिल पाएगा जब इसकी उन्हें जानकारी ही नहीं है। आइए सुनते हैं। कितने एकड़ जमीन है आपके पास? 2 एकड़ जमीन है। उसमें आप क्या लगाते हैं खरीफ सीजन में? मक्का। अच्छा, मक्का बेच दिए आपने? हाँ जी। कितना मक्का हुआ था आपका इस साल? 30 क्विंटल। 30 क्विंटल बेच दिए जी। क्या भाव बेची? 980 रुपये। 980 रुपया क्विंटल जी। अच्छा, कितने का हुआ टोटल आपका 30 क्विंटल मक्का? 29,400 रुपये। 29,400 का टोटल हुआ जी। अच्छा, आपको मक्का का समर्थन मूल्य पता है कितना था? नहीं है जी। एमएसपी क्या होता है आपको पता है? नहीं है जी। और मक्का पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिवनी मध्य प्रदेश से किसान हैं शिवम बघेल, उनसे बातचीत करते हैं। ये वीडियो उन्होंने ही बनाया एक किसान का। शिवम, स्वागत है किसान बुलेटिन में। आपने ये वीडियो जो बनाया है किसान का, इसको हमने दिखाया है दर्शकों को, जरा इनके बारे में बताएं। ये किसान भाई आपको कहाँ मिले और आपको कैसे इनके बारे में पता चला, और जिस तरह से आपने घाटे का गणित लगाया है उसको जरा समझाएं। जी मैम, सबसे पहले तो स्वराज एक्सप्रेस और हिंद किसान न्यूज चैनल और आपको भी धन्यवाद। मैम, ये जो व्यक्ति हैं, ये एक आदिवासी मजदूर भी कहना चाहिए और किसान भी हैं। ये मेरे गांव से 2 किलोमीटर बगल के गांव दुधिया में रहते हैं, और यह किसान की जो पूरी फैमिली है मैम, इसमें 5 मेंबर हैं, पति पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी। और ये पांचों लोग जब हम मक्का की खेती करते हैं तो ये हमारे खेत में लेबर के रूप में काम करने आते हैं। तो मैं इनको पहले से जानता था, इनसे हमारे घरेलू जैसे संबंध भी हैं, अपनापन है। तो जब मुझे ये मक्का एमएसपी का हम लोग की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि जो चाचा हमारे यहाँ काम करने आते हैं उनके पास भी 2 एकड़ जमीन है, तो मैं वही जानने गया था कि उन्होंने कितना मक्का बेचे होंगे। और वो जो मजदूरी करते हैं उन्होंने पूरे साल भर में कितना पैसा कमाया होगा पूरी फैमिली सहित जी। तो मैंने जो आपने आकलन किया है उसमें पूरा निकल के आया कि 30 क्विंटल में घाटा 23,000 रुपए का है, और मजदूरी से ये लगभग 20,000 से 25,000 रुपए कमाते हैं। तो अगर सोचिए, अगर ये जो इन्होंने घाटा सहा, अगर ये इनकी कमाई में जोड़ दें तो ये कितने सुकून से बैठ सकते थे आज। हाँ मैम, इनको मजदूरी नहीं करना पड़ता, और यदि मजदूरी करते तो वो एक्स्ट्रा कमाई होती इनकी। इनका जो घाटा है तो वो घाटा की भरपाई करने के लिए इनको मजदूरी करना पड़ रहा है। आपको पिछले साल तक ठीक ठाक भाव मिले थे, लेकिन अब 900 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव गिर गया है, जो पहले 1800-2000 तक का था। तो अब आपको क्या लगता है कि जो पूरा एमएसपी मिलता है, खास तौर से गेहूं और धान को जो प्राथमिकता दी जाती है, यानी कह ले एमएसपी पॉलिटिक्स, तो उसकी वजह से क्या किसान अब अपनी मक्का की बुआई छोड़कर क्या अब इन फसलों की तरफ वापस जाएंगे, और फिर से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो जो एम था, जो लक्ष्य था, वो फिर कहीं पीछे हो जाएगा? मैम देखिए, कुछ जगह रहती है जहाँ पर जो खरीफ सीजन में हम मक्का बोते हैं, पर कुछ जगह पर हम धान ही बो सकते हैं और कुछ जगह पर हम मक्का ही बो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बारिश होगी तो मक्का खराब हो जाता है, और कम बारिश होगी तो फिर वहाँ पर धान खराब हो जाती है, धान सूख जाती है। और धान के लायक मैम पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, कम बारिश और ज्यादा बारिश में धान और सोयाबीन खराब हो जाती है, लेकिन मक्का स्वीटेबल है किसानों के लिए, इसमें उत्पादन बेहतर होता है, ये कम बारिश और ज्यादा भी हो रहा है, तो इस बार भी किसान मक्का ही लगाएगा। इसको खरीदी करेंगे तभी किसान को कुछ फायदा होगा, नहीं तो अभी 17 से 18 हजार रुपया मक्का की खेती में
एक एकड़ में लागत आ रही है। और दूसरी तरफ देखें तो मक्का का उत्पादन खरीफ सीजन में औसतन 17 से 18 क्विंटल है, लेकिन उसका रेट अभी 800-900 रुपया है। तो मैम ये तो इसमें तो लागत भी नहीं निकलेगी। जी शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम, थैंक यू।